आज हम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जिस वक्त वक्त स्टेट से आए हैं, जो ऑल इंडिया मेडिकल प्रैक्टिशनर फेडरेशन ने काल दिया है, उस काल में हम जो नेशनल बिल है उसका विरोध कर रहे हैं, उस काल में हम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल उसका विरोध कर रहे हैं। बेसिकली क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल है क्या, ये हम सभी भाइयों को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। यो बिल सेंट्रल सरकार ने आपके ऊपर थोपा है, उस बिल में क्या है? वो बिल बोलता है कि जितनी भी क्लिनिक्स हैं, जितने भी नर्सिंग होम हैं, और सभी को रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। अब ये सोचने लगेंगे कि रजिस्ट्रेशन तो हमें चाहिए, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा कि आपके पास जिसको ये सेंट्रल सरकार या स्टेट सरकार मानती है कि ये सर्टिफिकेट ठीक है, और वो सर्टिफिकेट ठीक जिसके पास है उसकी रजिस्ट्रेशन की जाए। कुछ पैसे आपको आपसे ले लिए जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन की जाएगी, उसके बाद में आपके जो क्लिनिक है उन क्लिनिक के ऊपर 3 बॉक्स या 4 बॉक्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें बायो वेस्ट मटेरियल है उसको उसमें रखने के लिए। तो हम ये इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि पहले ये सरकार हमें काम करने की रजिस्ट्रेशन दे, उसके बाद रजिस्टर करें तो ठीक है। अगर ऐसे रजिस्ट्रेशन करना चाहती है हमारी क्लिनिक की, वो करेगी नहीं। और मोदी ने पिछले समय से बोल भी दिया था, मैंने एक देखा अपनी लाइफ में कि कभी कोई प्रधानमंत्री देश का, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी किसी देश का प्रधानमंत्री 50 से 60 लाख लोग जो अपने बलबूते पे प्रैक्टिस करते हैं उनको बंद करने के लिए नहीं बोलता। ये बोलता है मोदी बंद कर दो, पहले भी बोला अब भी बोला। इधर बोलता है कि 5 लाख का जुर्माना होगा, 1 साल की 3 साल की 5 साल की सजा होगी, 3, 4 साल 5 साल कैसे होगी, जिसके पास जैसा भी को पकड़ा जाएगा वैसी सजा उसको सुनाई जाएगी। ये कौन सा न्याय है? हम ये पूछना चाहते हैं कि भारत में 77 करोड़ लोग वो लोग हैं जो रोजाना 20 रुपए से गुजारा करते हैं, भारत के 77 करोड़ लोग, वो कहां से दवाई लेते हैं? वो आप लोगों से दवाई लेते हैं, आप लोग ही उनका इलाज कर सकते हैं, ये दूसरे लोग इलाज नहीं करते। हम उनका विरोध नहीं करते, हम उनको भी मानते हैं जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, उसको मानते हैं कि उनकी भी जरूरत है, जब सर्जरी की जरूरत पड़ती है उनकी भी जरूरत है। और हम ये भी मानते हैं अगर देश में 77 करोड़ लोग रोजाना 20 रुपए में गुजारा करते आया गया है, क्यों लाया गया है? इसमें 2 डिवाइडेशन है, 2 प्रैक्टिस है इसके, इसलिए लाया गया है के जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जिसको हम हेल्थ सेक्टर बोलते हैं, किसको बोलते हैं? आपके इधर फोर्टिस होगा, नेक्स होगा, जितने भी बड़े बड़े नर्सिंग होम है, और उनको हम कॉर्पोरेट सेक्टर बोलते हैं। वो कॉर्पोरेट सेक्टर किसका है? वो कॉर्पोरेट सेक्टर मोदी का है, या प्राइम मिनिस्टर जो है उनका है, या कोई स्टेट में बड़े लोग हैं, मंत्री हैं, सीएम है, उनका कॉर्पोरेट सेक्टर है। वो चाहते हैं कि संजय जी आप यहाँ एकत्रित हो रहे हो और सभी डॉक्टर लोग यहाँ जंतर मंतर पे, क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, क्या वजह? हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं, जो हम झुकी झोंपड़ियों में फर्स्ट एड देते हैं, हमें उसकी अनुमति मिलनी चाहिए, ना कि हम पे शिकंजा कसना चाहिए।
10-10 रुपये में हम सेवा उपलब्ध कराते हैं और उनको झोला छाप की उपलब्धि दी जाती है कि ये झोला छाप डॉक्टर इनको भगाना चाहिए खदेड़ना चाहिए। हम सरकार से हम रजिस्ट्रेशन है, हम क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। अगर हमें कोई कमी है, सरकार को लगती है हमारी तरफ से कोई कमी, तो वो हमारे लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करें और फर्स्ट एड देने की अनुमति दें, ना कि हमारे डॉक्टरों को वो परेशान करें और नोटिस भेजें। मेरा नाम डॉक्टर रमेश बाली है। मैं ऑल इंडिया मेडिकल प्रैक्टिस फेडरेशन का ऑर्गेनाइजर हूँ, नेशनल ऑर्गेनाइजर पंजाब से। आज जो मामला देखने को मिल रहा है डॉक्टर, जो ऑनलाइन की बात हो रही है, आप जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन कराइए, पहले क्या था 1925 में जो रजिस्ट्रेशन आपको मिला हुआ उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन की बात हो रही है, सरकार ऑनलाइन की बात कर रही है, तो क्या लग रहा है आप लोगों को? आप कौन सी रजिस्ट्रेशन की बात पूछ रहे हैं? जो रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों, डॉक्टर लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है, क्लिनिक है, उसके रजिस्ट्रेशन है 1925 में हुआ था, उसके बाद ऑनलाइन की बात हो रही है, सरकार ऑनलाइन पे रजिस्ट्रेशन की बात कर रही है। जो रजिस्ट्रेशन हम मांगते हैं वो रजिस्ट्रेशन और है, जो सरकार रजिस्ट्रेशन की बात कर रही है वो रजिस्ट्रेशन और है, जो सरकार रजिस्ट्रेशन कर रही है वो रजिस्ट्रेशन हमारे पक्ष में नहीं है। और बाकी जो दूसरी बात है, जो आप 1925 की बात कर रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्टेट में हुई थी, जिसकी हम मांग कर रहे हैं तजर्बे के उधार पर, उसके ऑन एक्सपीरियंस बेसिस रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और हमारे पंजाब में 1962 में हुई थी, 1974 में भी कई स्टेट में हुई है, 1925 में भी हुई, आप बोल रहे हैं हुई है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो सन है उसमें रजिस्ट्रेशन हुई है। जो रजिस्ट्रेशन सरकार ऑनलाइन कर रही है वो रजिस्ट्रेशन हमारे किसी फायदे में नहीं है, हमारे लिए अच्छी व्यवस्था के लिए नहीं है। हम जिस रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं वो है ऑन एक्सपीरियंस बेसिस, रजिस्टर्ड टू द अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस इन इंडिया। अभी जो डॉक्टर लोग जो बैठते हैं, जो छोटे छोटे क्लिनिक चला रहे हैं, उन डॉक्टरों को जो दवाई देते हैं उनको झोला छाप डॉक्टरों में गिनती करी जाती है, क्या लग रहा है? देखो, एक बात तो जो मीडिया की है ना, झोला छाप की जो डेफिनेशन है वो अब काम में आ रही, ये पुराना चला जा रहा है मीडिया में। झोला छाप तो आज से 50 साल पहले थे, जब जो क्वालिफिकेशन जो ना है, डिग्री नहीं थी उस वक्त, डिग्री भी जो 1980 के आसपास में डिग्री स्टार्ट हुई है, उससे पहले मिलिट्री में थी, एमबीए से पहले LSMF। तो झोला साहब की जो डेफिनेशन अब किसके ऊपर लागू नहीं, ये लोग झोला लेकर थोड़ी जाते हैं घर में प्रैक्टिस करने के लिए। इसलिए झोला साहब का जो मुद्दा है, जो अक्षर है, अक्षर वो ठीक नहीं है मीडिया के जो पेपर है उसमें। मंच पर पधारे डॉक्टर संध्या अग्रवाल जी, देश के कोने कोने पर पधार रही हैं प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर। भाइयों बहनों, आज हम यहाँ सरकार से अपना हक मांगने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों को ये सरकार झोला छाप कहकर हमारी सेवा का अनादर करती है। अगर हम अपने कार्य को छोड़ दें तो दूसरे अंचल में बसे गरीब मरीज अकाल मृत्यु से मारे जाएंगे। हम ऐसी ऐसी जगह रात दिन दुखियों की सेवा करते हैं जहाँ MBBS जाना पसंद नहीं करते। हमारे देश में आज भी ऐसी ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ गरीब इंसान खाने तक के लिए मोहताज है। रात हो या दिन हो, हम लोग अपनी सेवा पर तैयार मिलते हैं। नवजागरण शिशु जब जन्म लेता है तो हम लोग जच्चा बच्चा को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम हर रोगी को प्राथमिक चिकित्सा देने का काम करते हैं। अगर हमारी सेवा समय पर ना मिले तो गरीब का जीना मुश्किल हो जाएगा। सरकार पे ईंट पे ईंट बजा देंगे। उठो जवानों, भारत मानो हमें पुकारा है। जय मातृभूमि, ये हमारा नारा है। हमको मिटा सके सरकार, ये सरकार पे सब नहीं, हमसे ये सरकार से हम नहीं। आज हम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जब कितने वक्त स्टेट से आए हैं, जो ऑल इंडिया मेडिकल प्रैक्टिशनर फेडरेशन ने काल दिया है, उस काल में हम
जो नेशनल बिल है उसका अप्रूव कराए हैं। उस साल में हम लीगल एस्टेब्लिशमेंट बिल उसका अप्रूव कराए हैं। बेसिकली क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल है क्या? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।